फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। यह यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 42वां और जनसंख्या के लिहाज से 21वां सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी 6.7 करोड़ के करीब है। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटक फ्रांस में ही आते हैं, हर साल लगभग 7.5 करोड़। आइए जानते हैं फ्रांस देश के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दुनिया भर में मशहूर फ्रांस देश के पेरिस शहर में स्थित एफिल टावर, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है, ये टावर 41 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा है। फ्रांस में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में बचे हुए खाने को फेंका नहीं जा सकता, ऐसा करना यहाँ के कानून के खिलाफ है। इनको अपने बचे हुए खाने को फूड बैंक या दान में देना जरूरी होता है। फ्रांस के कानून के मुताबिक आप मरे हुए व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस के लुईस 19 नामक राजा को एक बार केवल 20 मिनट के लिए फ्रांस का राजा बनाया गया था। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी है। फ्रांस की जीडीपी करीब 2.6 खरब डॉलर है, जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। फ्रांस एक अमीर देश है क्योंकि फ्रांस में लगभग हर एक व्यक्ति की आय करीब 37,000 डॉलर है। फ्रांस की महिलाएं दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहती हैं। इतना मॉडर्न देश होने के बावजूद भी फ्रांस में किसी रेलवे स्टेशन पर किस नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य और कला में नोबेल प्राइज फ्रांस के नाम है। आपको शायद ही ये मालूम हो कि लोगों को अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत फ्रांस से ही हुई थी। फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा खेती करने वाला दूसरा देश है। फ्रांस कोयला उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पे है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश फ्रांस ही था, जैसे कि किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम आदि। आपने आज तक पनीर की कितनी डिश खाई होंगी? 2, 5, 7, 10, 15। लेकिन फ्रांस में करीब 4700 तरह के पनीर के पकवान बनते हैं। वैसे तो हम चीन को ही अजीबोगरीब खाने के लिए जानते हैं, लेकिन फ्रांस में सांपों, मेंढक की टांगों और घोड़े के मटन को बड़े चाव से खाया जाता है। फ्रांस के लोग भगवान में कम ही विश्वास रखते हैं। फ्रांस के 44% लोग नास्तिक हैं। फ्रांस 17वीं शताब्दी के अंत से अभी तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के बाद फ्रांस परमाणु परीक्षण करने वाला चौथा देश है। फ्रांस ने यह परीक्षण 1960 में ही कर लिया था। फ्रांस में लगभग 50 से 70 लाख लोग विकलांग है, लगभग 10 में से एक आदमी। 1964 तक कोई भी फ्रेंच महिला अपने पति की आज्ञा के बिना अपना बैंक खाता और पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी। फ्रांस में हर 5 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। इस तरह से ये दुनिया के सबसे उदास देशों में से भी एक है। फ्रांस का फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है। फ्रांस ने 1998 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इतना ही नहीं, इस देश ने इसे जीता भी था। फ्रांसीसी क्रांति संसार के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। यह 1789 से 1799 तक चला ऐसा हिंसक आंदोलन था जिसका मकसद फ्रांस में से राजशाही को खत्म करके लोकशाही की स्थापना करना था। सन 1814 से लेकर 1830 तक फ्रांस का झंडा पूरी तरह से सफेद था, उसमें किसी भी और रंग का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का सबसे पहले इस्तेमाल फ्रांस में ही किया गया था। अगर दुनिया में कोई सबसे लकी पर्सन है तो वो होंगे फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गोले। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मघाती हमलों से बचने वाले इंसान है। इनके ऊपर 32 बार जानलेवा हमला हुआ है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। स्पोर्ट्स और गेम का मतलब ज्यादातर लोगों के लिए इंटरटेनमेंट होता है। बहुत ज्यादा रूल एक खेल को बिगाड़ सकते हैं। एक खेल में जितने ज्यादा रूल होंगे वो उतना ही बोरिंग होता चला जाएगा, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में एक ट्रेडिशनल बॉल गेम है जिसे बाउल्स कहते हैं, उसकी रूल बुक 70 पेजेस की है। हमने ये तो सुना होगा कि पेरिस को सिटी ऑफ लव कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है? 2003 की ड्यूरेक्स कोंडम की एक स्टडी के अनुसार फ्रांस लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आपकी नेचुरल ड्यूटी होती है उसका ध्यान रखना। उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो पेरेंट अपने बच्चों को तहजीब से बड़ा करते हैं उन्हें मेडल ऑफ द फ्रेंच फैमिली का अवार्ड मिलता है। फ्रांस में इलेक्ट्रिक कार काफी पॉपुलर हैं। फ्रांस में किसी भी और यूरोपियन कंट्री से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल होती हैं। 2013 में फ्रांस में 8,779 पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार रजिस्टर की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें।